पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में इंसान और बाघों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। यास तूफान के बाद बीते 9 दिन में ही 3 मछुआरे रॉयल बंगाल टाइगर का निवाला बन चुके हैं। अपनी पेट की आग बुझाने के लिए पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में मछली और केकड़ा पकड़ने जाने वाले मछुआरे रॉयल बंगाल टाइगर के शिकार बन रहे हैं। बुधवार की सुबह सुंदरबन मछली पकड़ने गए सुनील सरदार पर बाघ ने हमला कर मौत की नींद सुला दिया। चक्रवाती तूफान यास से मची तबाही के बाद सुंदरबन के तटीय इलाके में रहने वाले मछुआरों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। सुंदरबन में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर भी खाने पीने की कमी से भूख से बिलबिला रहे हैं। मृधापारा का रहने वाला मछुआरा सुनील सरदार अपने पड़ोसी कार्तिक मंडल और राजू मंडल के साथ सुंदरबन के तराई में केकड़ा पकड़ने गया था, तभी घात लगाकर जंगल में बैठा बाघ ने सुनील के ऊपर हमला बोलकर गर्दन को दबोच लिया। बाघ के अचानक हमले से कार्तिक और राजू समेत सभी मछुआरे हैरान रह गए। बाघ के हमले और ज्यादा खून बहने से सुनील की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल और पड़ोसी बांग्लादेश की सीमा पर 4,262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सुंदरबन दुनिया में रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा घर है। सुंदरबन के तटीय क्षेत्र में 26 मई को आई बाढ़ और यास तूफान ने पूरे इलाके को उजाड़ दिया है। आबादी के बढ़ते दबाव और सिकुड़ते जंगल से लोग और बाघ एक दूसरे से रोजाना जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तूफान के गुजर जाने के 9 दिन में ही अब तक बाघ के हमले से 3 मछुआरे अपनी जान गंवा चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।